गुड इवनिंग, नमस्कार, जय हिंद प्यारे साथियों। एक बार फिर आपके साथ जुड़ चुका हूँ बहुत ही बेहतरीन और जानदार सेशन लेके। वीडियो के लास्ट तक जरूर जुड़िएगा। आज का ये टॉपिक है ट्रिग्नोमेट्री, काफी अच्छे से आपको बेहतरीन अंडरस्टैंडिंग क्लियर हो पाएगी। वीडियो के लास्ट तक जरूर जुड़िएगा। और भी आएंगे बाहरों की कलियां सुनने वाले, तुमसे बेहतर सुनने वाले और हमसे बेहतर सुनाने वाले। तो आज का जो टॉपिक है अपना ट्रिग्नोमेट्री, इसको काफी डिटेल में अपन डिस्कशन करने वाले हैं। काफी अच्छा टॉपिक है। आप यहाँ 9th-10th में स्टडी कर रहे हो, चाहे आपका स्टैंडर्ड 9th-10th हो, 11th हो, 12th हो, या फिर कोई भी कंपटीशन एग्जाम हो, ये लाइक सेकंड ग्रेड हो या फिर IIT तक आप जा पा रहे हो, तो ये जो टॉपिक है आपको काफी अच्छे से समझना बहुत जरूरी हो जाता है। छोटा सा टॉपिक है, बहुत ही आसानी से आप इसको समझ पा रहे होंगे। यदि आपका ट्रिग्नोमेट्रिक पोर्शन काफी अच्छे से कंप्लीट है तो आपका जो बाकी मैथमेटिकल पोर्शन है कैलकुलस वाला, उसमें भी आप काफी अच्छे से बेहतरीन कर पा रहे होंगे। शुरू करते हैं ट्रिग्नोमेट्री। इसमें इसको स्टार्ट करने से पहले अपन देख लेते हैं, ट्रिग्नोमेट्री जो है कंप्लीटली एक समकोण त्रिभुज पर बेस है, कंप्लीटली रह पा रहा है। जैसे अपन एक समकोण त्रिभुज की बात करते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो है समकोण त्रिभुज के अंदर अपन निकाल पा रहे हैं, यहां से अपन देख पा रहे हैं ए बी और सी एक त्रिभुज है अपने पास, जिसका कोण बी समकोण है, 90 डिग्री है। ये समकोण त्रिभुज अपने पास रह पा रहा है, तो एक कोई भी एक कोण थीटा, कोई भी इसका एक कोण है अपने पास थीटा रह पा रहा है, वो चाहे सी हो सकता है चाहे ए हो सकता है। जिस भुजा के सापेक्ष कोण थीटा बन पा रहा है उसको अपन आधार कह पा रहे हैं। यहाँ पे इस भुजा को अपन आधार कह पा रहे हैं। 90 डिग्री के सामने वाली भुजा को अपन करण कह सकते हैं। 90 डिग्री के सामने वाली भुजा है, इसको अपन करण कह रहे हैं। और जो शेष भुजा अपने पास ले जाती है उसको अपन क्या कहता है यहाँ पे, इसको लंब कह पा रहे हैं। इसको क्या कह रहे हैं, लंब। अब आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि ये एक समकोण त्रिभुज है जिसमें इसका BC इसका आधार है, AC इसका करण है और AB जो है इसका लंब रह पा रहा है। अपन इसमें जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जब ने लाइक साइन थीटा, कोस थीटा, टैन थीटा, कॉट थीटा, कोसेक थीटा या सेक थीटा, सभी अपन इसमें देख पा रहे होंगे कैसे अपन निकाल पा रहे होंगे। काफी आसानी से आप समझ पा रहे होंगे। अपन देख लेते हैं कि अपने को जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकालना है, साइन थीटा हो गए, यहाँ पे साइन थीटा है, कोस थीटा है, टैन थीटा है, कोट थीटा है, कोट थीटा, कोसेक थीटा, कोसेक थीटा और सेक थीटा, कोसेक थीटा और सेक थीटा, सभी को एक एक करके अपन इस त्रिभुज से निकाल पा रहे होंगे। तो आप देख पा रहे होंगे छोटा सा जो आप शुरू से ही पढ़ पा रहे होंगे, लाल बटे कक्का को आपने बहुत पहले से पढ़ रखा होगा। आज इसका जो है एक मॉडरेट फॉर्म अपन यहाँ पे पढ़ पा रहे होंगे। आप देख पा रहे हो पाकिस्तान भूखा प्यासा, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। आप देख पा रहे होंगे पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। यहां से अपन निकाल पा रहे होंगे PH अपने पास साइन थीटा रह पा रहा है, P यानी कि हो गया अपने पास परपेंडिकुलर लंब रह पा रहा है, B बेस रह पा रहा है, H हाइपोटेनियस रह पा रहा है, यानी कि करण इसकी अपन बात कर पा रहे हैं। जैसे अपन साइन थीटा देख पा रहे हैं किसी त्रिभुज में, परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनियस से अपन देख पा रहे हैं लंब बटे करण। लंब बटे करण कितना हो पा रहा है अपने पास, AB/AC, AB/AC का साइन थीटा का वैल्यू अपने पास रह पा रहा है AB/AC। जैसे अपन कोस थीटा का वैल्यू देख पा रहे होंगे अपने पास आधार बेस अपॉन हाइपोटेनियस हो गया, तो बेस अपना BC/AC, बेस हो गया अपने पास BC/AC। अब अपन टेन थीटा की बात कर पा रहे होंगे, टेन थीटा की जब अपन बात कर पा रहे होंगे ध्यान देख पा रहे होंगे लंब बटे आधार है या परपेंडिकुलर अपॉन बेस है, तो लंब अपना हो गया AB और आधार हो गया अपना BC, तो टेन थीटा अपने पास क्या रह पा रहा है, लंब बटे आधार। टेन थीटा हो गया अपने पास लंब बटे आधार, लंब हो गया अपना AB, आधार कितना रह पा रहा है अपने पास BC, AB/BC। अब अपन यहां से देख सकते हैं कि जैसे ही अपन निकाल पा रहे होंगे साइन कोस टेन कोट कोसेक सेक कोट, तो कोट थीटा अपना क्या रह पा रहा है, जैसे अपन कोट थीटा की बात कर रहे हैं कोट थीटा अपना हो गया BC/HB, जैसे अपन बात कर रहे हैं लंब बटे आधार अपना क्या रह पा रहा है टेन थीटा, लंब बटे आधार अपना क्या रह पा रहा है टेन थीटा। जब अपन कोट थीटा की बात कर पा रहे हैं तो क्या हो गया आधार बटे लंब, कोट थीटा की अपन बात कर पा रहे हैं यहाँ पे जाएगा अपने पास आधार बटे लंब, यानी कि BC/AB,
वैसे अपन कौशिक थीटा की बात कर पा रहे होंगे तो अपने पास हो रहा है करण बटे लंब। कौशिक थीटा क्या हो पा रहा है अपने पास? करण बटे लंब। तो जैसे अपन बात कर सकते हैं, करण हो गया अपना एसी, लंब हो गया अपना एबी, यानी एसी बटे एबी अपने पास रह पा रहा है, एसी बटे एबी। और जैसे अपन बात कर लेते हैं सेक थीटा की, तो सेक थीटा हो गया अपने पास हाइपोटेन्यूस अपॉन बेस, यानी कि करण बटे आधार, करण बटे आधार। तो करण हो गया अपना एसी, आधार हो गया अपना बीसी, तो एसी बटे बीसी, एसी बटे बीसी। अब अपन ने जो है यहाँ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की बात करी है, इससे कुछ फॉर्मूले अपन बना पा रहे होंगे, काफी आसानी से अपन देख पा रहे होंगे। यहाँ पे जो ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला है उनको रटना नहीं है, इनको यदि आप समझ पा रहे हो तो आपकी अंडरस्टैंडिंग काफी बेहतर हो पा रही है। अब अपन आप यहाँ से देख पा रहे होंगे टेन थीटा और कोण थीटा को, टेन थीटा और कोण थीटा को आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, दोनों एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में यहाँ दिख रहे हैं। ए बी बटे बी सी है, यहाँ पे बी सी बटा ए बी है, सॉरी। तो अपन यहाँ से कह सकते हैं कि टेन थीटा अपने पास डायरेक्टली रह पा रहा है, टेन थीटा बराबर वन अपॉन कोण थीटा, टेन थीटा अपने पास क्या रह पा रहा है, वन अपॉन कोण थीटा। या फिर अपन टेन थीटा को क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा बटे कोस थीटा। टेन थीटा को अपन क्या लिख सकते हैं यहां से, साइन थीटा बटे कोस थीटा। ये हो गया अपने पास टेन थीटा का वैल्यू। यदि अपने पास कोट थीटा आ रहा है तो उसको टेन थीटा में बदलना है, वन अपॉन कोट थीटा अपने पास क्या हो जाएगा, वन अपॉन टेन थीटा, टेन थीटा अपने पास क्या हो जाएगा, वन अपॉन कोट थीटा। तो यहां से अपन सिंप्लीफाई इसको करवा पा रहे हैं, तो अपने पास हो जाएगा टेन थीटा इंटू कोट थीटा इक्वल टू वन, टेन थीटा इंटू कोट थीटा इक्वल टू वन अपना फॉर्मूला रह पा रहा है, टेन थीटा इंटू कोट थीटा बराबर वन अपने पास रह पा रहा है। आगे अपन देख पा रहे होंगे साइन और कोसेक जो है दोनों एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में है, तो अपन यहां से कह सकते हैं साइन थीटा बराबर वन अपॉन कोसेक थीटा, कोसेक थीटा। यहां से अपन निकाल सकते हैं साइन थीटा बराबर हो जाएगा अपने पास साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा, कोसेक थीटा बराबर वन। साइन थीटा और कोसेक थीटा का जो मल्टीप्लीकेशन है वो अपने पास डायरेक्टली एक के बराबर रह पा रहा है। और जैसे ही अपन देख पा रहे हैं कोस थीटा को, कोस थीटा बराबर वन अपॉन सेक थीटा, यहां से अपन देख पा रहे होंगे कोस थीटा और सेक थीटा का मल्टीप्लीकेशन कितना आ पा रहा है अपने पास, एक। तो अपन यहां से कह सकते हैं कोस थीटा इंटू सेक थीटा बराबर एक रह पा रहा है अपने पास। ये फॉर्मूले जो है अपन डायरेक्टली बेसिक फॉर्मूले अपने यहाँ पे डायरेक्टली, यदि अपने को लाल बटे का या अपने को पता है तो उससे डायरेक्टली अपन निकाल पा रहे हैं, काफी आसानी से जो फॉर्मूले अपने पास आ पा रहे हैं। कई बार जो है एक नंबर का क्वेश्चन आता है वहां पे डायरेक्टली पूछ लिया जाता है साइन इंटू कोसेक कितना होता है, अपने पास वन रह पा रहा है, साइन इंटू कोसेक वन रह पा रहा है, अपने यहाँ से डायरेक्टली बता पा रहे हैं। अब कुछ स्टैंडर्ड फॉर्मूलों की यदि अपन बात करें तो स्टैंडर्ड फॉर्मूलों के अंदर अपन देख पा रहे हैं एक बेसिक सा फॉर्मूला अपने पास रह पाता है। अब अपन यहां से एक बात और देख लेते हैं, यदि अपने को कोट थीटा का मान चाहिए, यहां से अपन नोट कर पा रहे हैं कोट थीटा, कोट थीटा अपने पास क्या हो पा रहा है यहां से, वन अपॉन टेन थीटा, वन अपॉन टेन थीटा। और इसको मैं कह सकता हूं ऐसे कोस थीटा बटे, कोस थीटा बटे साइन थीटा, कोस थीटा को अपन क्या कह सकते हैं, कोस थीटा बटे साइन थीटा। वैसे यदि अपने को कोसेक थीटा का वैल्यू चाहिए तो अपन बोल सकते हैं वन अपॉन साइन थीटा, अपने को sec थीटा का वैल्यू चाहिए तो अपन बोल सकते हैं वन अपॉन cos थीटा। अब क्वेश्चंस के अंदर क्या होता है कि जैसे अपने को cos x है इसके अंदर दिया हुआ है, cos x है cot tan, तो उनको अपन sin cos में चेंज करके काफी आसानी से जो उनको आंसर निकाल पा रहे होंगे। अब अपन देखते हैं एक बेसिक सा फॉर्मूला अपने पास, काफी स्टैंडर्ड फॉर्मूला जिसको अपन मान सकते हैं, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू वन, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू वन। काफी अच्छा फॉर्मूला है, इससे दो फॉर्मूले अपन और बना पा रहे होंगे, इससे दो फॉर्मूले बना पा रहे होंगे, साइन का भाग दे पा रहे होंगे एक बार इसमें, कोस स्क्वायर का भाग दे पा रहे होंगे। यदि अपन भाग देते हैं इसमें साइन स्क्वायर थीटा का, साइन स्क्वायर थीटा का मैं पूरी इक्वेशन में भाग दे पा रहा हूँ, तो आप समझ पा रहे होंगे कि साइन में साइन का भाग दे रहा हूँ, मेरे पास कितना बच रहा है, एक, वन प्लस। जैसे कि मैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा में साइन स्क्वायर थीटा का भाग दे पा रहा हूँ, आप यहाँ पे देख सकते हो कोसेक स्क्वायर थीटा बटे साइन स्क्वायर थीटा, तो कोस बटे साइन मेरे पास क्या रह पा रहा है, कोस बटे साइन मेरे पास क्या रह पा रहा है, कोट थीटा, कोस बटे साइन मेरे पास क्या रह पा रहा है, कोट थीटा। तो ये हो जाएगा मेरे पास कोट स्क्वायर थीटा इक्वल कोस कोट स्क्वायर थीटा इक्वल टू, अब आगे आप देख पा रहे होंगे वन अपॉन साइन स्क्वायर थीटा, वन अपॉन साइन स्क्वायर थीटा क्या रह पा रहा है, वन अपॉन साइन थीटा क्या रह पा रहा है अपने पास, कोसेक थीटा।
तो डायरेक्टली लिख सकता हूं मैं यहाँ पे कोसेक स्क्वायर थीटा, वन प्लस कोट स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या हो गया मेरे पास कोसेक स्क्वायर थीटा। तो यदि अपन इसमें साइन का साइन स्क्वायर का भाग दे पा रहे हैं तो अपने पास क्या आ रहा है वन प्लस कोट स्क्वायर इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। अब यदि मैं भाग देता हूँ इसमें कोस स्क्वायर थीटा का डिवाइडेड करता हूँ मैं कोस स्क्वायर थीटा से तो मेरे पास क्या रह पा रहा है आप देख पा रहे होंगे साइन बटे कोस मेरे पास क्या रह पा रहा है टेन थीटा, टेन स्क्वायर थीटा